दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा में हम कैसे चेक करेंगे कि जो यूजर ने इंटर किया ये प्राइम नंबर है या कंपाउंड नंबर। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर चेक करने का कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें समझना होता है कि प्राइम नंबर होता क्या है, किसको प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। तो वो हमारा क्लियर होगा तो हम उसके लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर होता है जिसका केवल दो फैक्टर हो, फर्स्ट फैक्टर इटसेल्फ या खुद से वो फुल्ली डिवाइड हो जाए, सेकंड फैक्टर होता है वन या वन से हो। दो फैक्टर नेसेसरी होता है, दो फैक्टर होना ही चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होता है। दो से ज्यादा हुआ तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, मैक्सिमम दो। तो हम इसके लिए प्रोग्राम करते हैं, हम सीधे इफ एल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम ओके तो हम इंपोर्ट करते हैं, हमें इनपुट लेना पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग। अब हम क्लास बनाएंगे CLPWS CHECK चेक प्राइम PRIME। इसके अंदर क्लास हमारा फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहां पे हमें स्ट्रिंग args ओके। अब हम हमारा मेन लॉजिक शुरू होता है सेम जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था। अब हम इसको सेव करते हैं, पहले कंट्रोल सी करके कंट्रोल एस करके हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल वी डॉट जावा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो क्लास नाम का फाइल है वो जब हम कंपाइल करते हैं जावा प्रोग्राम तब ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाता है, यही होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे चेक प्राइम नाम का बनाया है ओके। अब हम इसमें हमारा मेन लॉजिक, हमें एक इनपुट लेना होगा चेक करने के लिए, तो हम इंट ले लेते हैं n और हमें इनपुट के लिए इनपुट स्टोर करने के लिए इस स्कैनर क्लास का जरूरत पड़ेगा। तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कैनर स्कोर टू न्यू SCAN। देखना दोस्तों सिस्टम में जो S है वो कैपिटल है और स्कैनर का भी S जो है कैपिटल है। जो क्लासेस होते हैं हमेशा वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कैमल केस, कैमल केस में होना चाहिए ओके। पैकेज के भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने जावा पैकेज यूटिल है पैकेज, तो हमने स्मॉल से स्टार्ट किया, स्मॉल लेटर यूज किया। बट ये सिस्टम जो है क्लास है तो हमें हर एक क्लास को याद रखना, इसको कैमल केस बोलते हैं, हमने उसको कैपिटल में रखा है। चलिए हमने आगे बढ़ते हैं ओके। अब हम बोलेंगे इंटर एनी, हम यूजर को बोलेंगे सिस्टम डॉट ओ यू टी डॉट पी आर आई एन जी ln ओके। हमने बोला कि इंटर एनी नंबर टू चेक इस प्राइम, इंटर एनी नंबर टू चेक CHECK इफ इट इज PRIME। दोस्तों अब हम
वो वैल्यू ले लेते हैं, एन में स्टोर करेंगे। तो हमने बताया था जैसे स्कैनर स्कैन उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम, स्कैन जो ये ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, स्कैन डॉट हम नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं। देखो ये कैमल केस है, नेक्स्ट इंट हमारा जो है वो हमारा कैपिटल है, ज्वाइनिंग वर्ड जो होता है कैपिटल होता है। ओके नेक्स्ट इंट, अब हमारे पास नंबर आ गया है, अब हम उसको अपना मेन लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक में हम क्या करेंगे कि हम इसमें फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर में हम कंडीशन लगाएंगे कि अभी हमें चेक करना है कि जो हमने नंबर इंटर किया है वो बस उसका दो ही फैक्टर होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए फैक्टर इन द सेंस मतलब फुल डिवाइड हो जाना चाहिए। फुल डिवाइड कब होता है दोस्तों, जब उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो इसमें रिमाइंडर हमने बोला, वो रिमाइंडर अभी उसके लिए भी इसमें प्रोग्राम थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो रिमाइंडर होता है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम मॉडुलो साइन का यूज करते हैं। मॉडुलो जो परसेंट होता है इस कीवर्ड में, परसेंट सिंबल, ठीक है। हम प्रोग्राम करते हैं, हम किसी भी नंबर को, हम उस जो नंबर हमने इनपुट किया उसको हम एक से ट्राई करेंगे डिवाइड करना टिल दैट नंबर, एक से डिवाइड करेंगे। तो हम वहां पे इंट लिखा हमने, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू वन, और वो आई हमारा लेस देन इक्वल टू उस नंबर तक जाएगा। कौन सा नंबर, जो हमने इनपुट किया है, मतलब एक दो, जैसे हमने सात इनपुट किया तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तीन पैरामीटर आते हैं फॉर लूप में, हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। तो हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब 1 2 लेके 1, अगर हम 7 इनपुट करते हैं इसमें 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। हमने फॉर लूप क्यों यूज किया मैं आपको बताऊंगा वो चेक करने के लिए। अब हमारा मेन काम है चेक करना कि फुल डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मॉडुलो यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे मॉडुलो यूज कैसे करेंगे, इफ दोस्तों हम कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा जो है नंबर है, मॉडुलो यूज किया, देखो मॉडुलो, ओके ये आई से, आई मतलब एक से लेके उस नंबर तक फुल डिवाइड हो गया, मतलब फुल डिवाइड मतलब जीरो, उसका रिमाइंडर समझ लो रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब ये रिमाइंडर बताता है, मतलब ये रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो वो ओके। दोस्तों एक इनपुट हमें और लेना पड़ेगा वो चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ना इंट ले लिया, इंट में मैंने चेकर लिया, चेकर प्राइम चेकर, ईयर आई एम ई सी एच ई सी के ई आर प्राइम चेकर। तो जैसे हमने बताया कि बस दो फैक्टर होना चाहिए, मतलब दो ही बार एंटर करना चाहिए, तो हम ना इसको हम इनिशियली में जीरो रखेंगे, इनिशियलाइज में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पी आर आई कॉपी कर रहे हैं, प्राइम चेकर कंट्रोल सी, ये हमने डिफाइन किया है हमने, ये मेरा ये प्लस प्लस, दोस्तों समझा हमने ये। यहाँ पे मैंने ये पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज नहीं किया है, ये सिंगल स्टेटमेंट है तो वो एक्सक्यूट होता है, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसमें चेक किया कि प्राइम है तो प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लूप के बाहर जाएगा, अब यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी हम ये लगाएंगे, इफ हमारा जो प्राइम चेकर है पी आर आई वो डबल इक्वल टू टू है, टू कंसोल डॉट सॉरी सिस्टम डॉट वो
OUT आउटपुट देने के लिए होता है PRINT प्रिंट LN। तो क्या होगा, दिस इज पैरामीटर। अगर दो हुआ तो मतलब दो बार फैक्टर, मतलब दो उसका फैक्टर हुआ, मतलब दो बार उसको 00 आया, मतलब एक बार वन से कोई भी अगर हम किसको भी डिवाइड करेंगे वन से तो फुली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर वन आता है। और एक इटसेल्फ लास्ट में जो यहाँ पे पहुंचेगा फॉर लूप एन के पास, अगर उससे डिवाइड करेगा तो भी हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। मतलब पूरे इस लूप में केवल दो ही बार इसके अंदर जाएगा तो ही ये प्राइम नंबर होगा। हम उस नंबर को डाल दिस इज प्राइम नंबर, दिस नंबर इज दिस प्राइम, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, नंबर डाल दे रहे हैं यहाँ पे। वो नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं एन लगा के, ओके। इसके बाद हम एल्स लगा के, अगर ये नहीं हुआ तो हमारा बोलेगा कि दिस इज नॉट प्राइम नंबर, तो सी डॉट वी दिस इज नॉट प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता चला कि हमने ये सब बनाया है, हमने फॉर लूप किया है उसको हर बार चेक करने के लिए, तो टिल दैट नंबर जो हमने इनपुट किया। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको एक्सीड करते हैं, देखते हैं। अब हमारा यूट्यूब फोल्डर पे ऑलरेडी है तो हम जावा सी यूज करेंगे, कंपाइल करेंगे, देखते हैं कंपाइल हो रहा है क्या प्रोग्राम। चेक प्राइम है तो हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी आर टैब कंट्रोल वी डॉट जावा। दोस्तों इसमें एरर क्या आया कि दिस इज नॉट प्रिंट एलएन एक्सपेक्टेड दिस। ओके समझा ओके एक्चुअली क्या। हेलो दोस्त, इस प्रोग्राम में हमारा कहाँ पे एरर आ रहा था आप देख सकते हैं। मैंने इसको पैरेंथेसिस, हमने यहाँ पे इफ का पैरेंथेसिस डाला ही नहीं है, मैंने इसको डालना पड़ेगा इफ के लिए, मैंने इसको ओपन क्लोज नहीं किया था, ठीक है मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी रन करते हैं, देखते हैं कंट्रोल एस आल्ट टैब, इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके एक एरर अब भी है हमारे पास, रीचिंग एंड ऑफ फाइल। ओके देखते हैं क्या है। ओके हमें यहाँ पे एक्चुअली में हमारा जो मेन क्लास का पैरेंथेसिस ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है। ओके नाउ इट इज वर्किंग, कंट्रोल एस आर टैब, दो एरर प्रिंट। ओके प्रिंट कभी भी हमारा स्मॉल में होता है, मैंने कैपिटल लिख दिया है सॉरी, तो हमने प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एस। अब हम रन करेंगे, हमारा रन होना चाहिए। ओके अब हम इसको ये रन कर रहे हैं, इंटर ए नंबर टू चेक इफ इट इज प्राइम, मैंने 4 किया, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ये इसका कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो एक होगा, एक तो इटसेल्फ होगा दो, और एक दो, तीन फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हमारा नहीं है। जैसे तीन फैक्टर हुआ ये एल्स वाले ब्लॉक में आएगा, आप देख सकते हैं चार जो है ये एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा फट करके, क्योंकि ये जो हमने चेकर यहाँ पे कंडीशन डाला है वो बस दो होना चाहिए। ये प्राइम चेकर जो है प्लस प्लस हो, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। अगर फॉर लूप में अगर एक बार फॉर लूप के अंदर आया तो प्लस हो जाएगा, फिर सेकेंड बार आया तो प्लस हो जाएगा, मतलब हमने जीरो किया है एक बार में वन हो गया, सेकेंड टाइम टू हो गया, मतलब टू ये टू हमारा ये हो गया। ओके तो हमने इसको रन किया, रन हो गया, देखते हैं सेकेंड नंबर डालते हैं हम दो, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, सॉरी रन करना पड़ेगा पहले मुझे जावा कंपाइल। ओके टू
दिस इज प्राइम नंबर. ओके, ये खुद से करता है और एक से करता है, करता है इन द सेंस मतलब डिवाइड होता है, फुल डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो हमने ये भी प्राइम नंबर हो गया. अब तीन डालेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी ये भी प्राइम नंबर है. सॉरी यार, हर बार नहीं गलती कर रहा हूँ. तो हमने तीन. ओके, इट इज वर्किंग. ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉच माई वीडियो.